नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है। आज मैं आपको हॉट व्हील्स के बारे में बताऊंगा। तो मेरी ये सारी हॉट व्हील्स हैं और दो प्लेन्स भी हैं। पहले मैं आपको अपनी हॉट व्हील्स गिना देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। अब मैं आपको नाम बताता हूँ। इधर से शुरू करते हैं दोस्तों। ये थोड़ी एलियन टाइप कार है। इसका नाम है हन्ना बारबेरा। दोस्तों ये जो दूसरी है, ये थोड़ी मतलब यहाँ पे हम कुछ सामान रख के इधर से उधर भेज सकते हैं, उसके लिए यूज़ होती है। इसका नाम है मोजेंगो। ये जो है, ये तो रियल कार भी है। इसका नाम BMW है। और जो ये है, ये ज़्यादातर मिट्टियों में मतलब कीचड़ टाइप जो जगह होती है वहाँ पे चलने में हेल्प करती है। इसके टायर उसको थोड़ा नीचे से ऊपर रखते हैं तो ये अच्छे से चल भी सकती है। ऐसे मेरे पास तीन है, उनके टायर अलग होते हैं थोड़े। नॉर्मल हॉट व्हील्स के ऐसे होते हैं और इसके थोड़े ऐसे होते हैं, मतलब थोड़े बाहर ऐसे निकले हुए होते हैं इसके टायर। तो मेरे पास ऐसी 1, 2 और 3। पहले मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ, फिर बाकी मैं बाकी सबकी जानकारी दूंगा। इसका नाम है L58। ये जो है, ये पुलिस की गाड़ी है। ये रफ प्लेस में अच्छे से नहीं चलती, ये रफ प्लेस में अच्छे से चलती नहीं है। जैसे मतलब बिस्से जो टाइप है वो वहीं पे अच्छे चलती है। रफ प्लेस में थोड़ी खर 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 चलती है। इसका नाम है MJ, MJ हॉलर। दोस्तों जो ये है, ये थोड़ी डेंजरस टाइप है और ये इन सब में से तीसरे नंबर पे तेज चलती है। पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। इसका नाम है सुपर बिजडन। और जो ये है दोस्तों, इसको जो आप ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रैचेस नहीं है, इसकी डिज़ाइन है। इसका नाम है कस्टम एक्यूरा। दोस्तों ये जो अगली कार है, इसका नाम है मास्टर रेप्यू। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये है ये सबसे तेज चलती है सब में से। इसका नाम है बोन शेकर। इसका नाम बोन शेकर है। जो ये है ट्रैक मांगा। ओह, इसको तो देखिए, यह है ट्रैक मांगा। दोस्तों ये पानी में भी मतलब असली में नहीं तैरेगी, मतलब पानी में भी चल सकती है। अगर जैसे ऐसे इस कार को पानी में डालेंगे, ये नहीं चलेगी। जो रियल अगर ऐसी कार होगी तो पानी में भी चल सकती है। जो आप इसके नीचे देख रहे हैं, इसमें असली में हवा भरी होगी, मतलब ये बोट जैसा होगा। अगर ये पानी में गिर गई और जो पीछे विंग्स हैं ये गोल गोल घूमेंगे तो फिर ये पानी में भी चल सकती है और ज़मीन में भी। इसका नाम है स्पेक्टर।
दोस्तों जो ये देख रहे हैं ये है, ये लैम्बोर्गिनी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस ट्रक को आप देख सकते हैं, इसके पीछे डिक्की भी खुल सकती है। ये है बजाज हॉलर। दोस्तों जो ये है ये भी, ये मैंने आपको बताया था, ये और ये तीनों एक जैसी हैं, इनके टायर एक जैसे हैं, इसको देख सकते हैं। इसका नाम है, इसका नाम देसी टाइगर है। और जो अब मैं आपको इन दोनों प्लेन्स के बारे में बताऊंगा, इसका नाम ग्रू कार है, ग्रू कार। ये यहाँ इस जगह पायलट बैठेगा, इसके अंदर टोटल, अगर अगर ये असली में हो तो इसके अंदर पूरे 3,000 लोग बैठ सकते हैं। ये बहुत बड़ा हो सकता है। ये यहाँ से ये ऐसे होके ऐसे हवा में उड़ता है। जो आप ये देख रहे हैं इसका नाम, इसका नाम मस्टैंग 58। ये यहाँ से इसकी फायर निकलती है और ये ऐसे उड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं हॉट व्हील सारी मेटल की होती है, ये सारी भी मेटल की है, प्रूफ मेटल। ये अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ बनी है। ये मेड इन मलेशिया, ज़्यादातर तो मेरे पास मलेशिया की हैं, बस कुछ कुछ ही थाईलैंड की हैं। और जो ये है ये भी मलेशिया में बनी है, BMW भी मलेशिया में बनी है, रॉक कॉलर भी मलेशिया में बनी है, ये फोर्ड फ्यूजन भी मलेशिया में बनी है, और ये भी मलेशिया में ही बनी है, ये भी मलेशिया में 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 बनी है। ये लैम्बोर्गिनी, ये थाईलैंड में बनी है दोस्तों, ये भी मलेशिया में बनाए बजाज हॉलर भी, और ये 58 भी मलेशिया में ही बना है ये भी, और ये जो प्लेन है ये भी मलेशिया में बना है। ये प्लेन है ये थाईलैंड में बना है। सिर्फ ये दो गाड़ियाँ थाईलैंड में बनी हैं। थाईलैंड की गाड़ियाँ बहुत यूनिक होती हैं, उनमें अलग से चमक होती है। बाकी सारी गाड़ियाँ देखी, उन पर लाइट पड़ेंगी तो कोई शाइन नहीं है, इस पर लाइट पड़ती तो ऐसा लगता है इस पर ग्लिटर है। मतलब उनकी यूनिक गाड़ियाँ होती हैं, इस पर भी लाइट पड़ेगी तो ऐसा लगता है ग्लिटर है। थाईलैंड की गाड़ी यूनिक होती है। तो इसी की तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप सबको नमस्कार। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।